हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को टेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान की बात करें। वाक्य के अंत में समय के साथ, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, तथा रहे थे, आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि जब वाक्य के अंत में समय के साथ, जब वाक्य के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, तो उस टेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सहायक क्रिया की होती है हेल्पिंग वर्ब, इसकी होती है हैड बीन। इस टेंस की एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन। कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, सभी के साथ हमें हैड बीन का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके उसमें ing जोड़ते हैं, या इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing का हमें प्रयोग करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, या इसका एक दूसरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। बातें सेम हुई, चाहे हम कहें कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing का फॉर्म लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हमने आपको बताया कि इसके पहले के वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी कंडीशन ऐसी ही है कुछ। केवल अंतर क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें जहाँ पे था, थी, थे है, वहाँ पे है और हैं आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया दो होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर के साथ उसमें हम लोग हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस टेंस की एक ही सहायक क्रिया हैड बीन, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस को। हाँ, इसमें समय भी होता है। समय के लिए दो तरीके के समय होते हैं, यहाँ पे दिया गया है समय के साथ। तो समय भी दो तरीके का होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निश्चित समय। इसके लिए हमें सिंस का प्रयोग करना है, सिंस का यूज करो।
एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं अनिश्चित समय, और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं, फार का यूज़ करो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखने के बाद सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी। आईएनजी का प्रयोग करने के बाद यदि वाक में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद ईटीसी, उसके बाद समय के अनुसार सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा समय निश्चित समय है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और यदि हमारा समय जो है अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम। ये हमारा पैटर्न है। इसी के आधार पर हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल से इसको समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, किसान कल से अपने खेतों को जोत रहे थे। पहला एग्जाम्पल हमारा हिंदी का, किसान कल से अपने खेतों को जोत रहे थे। अब आप इसको देखें कि हमें सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन करना है तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला है कि हम टेंस की पहचान करें, और टेंस की पहचान कर लेने के बाद सेंटेंस हमारा कैसा है, असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है, इसकी भी पहचान हमको करना ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम टेंस की पहचान करते हैं। मान लीजिए इस वाक्य का ट्रांसलेशन आपको करना है कि किसान कल से अपने खेतों को जोत रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें रहे थे, तो रहे थे से हमें केवल इतना ही पता लग रहा है कि यह जो वाक्य हमारा है ये केवल कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन हमने आपको लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आप यहाँ देखें कि समय भी दिया गया है कि किसान कल से अपने खेतों को जोत रहे थे। यहाँ पर समय के साथ वाक्य के अंत में रहे थे आया हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर यहाँ से समय को हटा दिया जाए, थोड़ी देर के लिए माने कि यहाँ से हम समय को हटा दें, तो यह टेंस हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। लेकिन जब उसी शब्द के साथ समय भी दे दिया जाए तो वह वाक्य हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाता, बल्कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसलिए हमें कहेंगे कि यह वाक्य हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब चलिए इसको हम इस पैटर्न के आधार पर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं।
तो वाक का कर्ता यहाँ पे किसान है, और यहाँ पे जो किसान हमारा आया हुआ है वो सिंगुलर में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है रहे थे, इसका मतलब कि हमको किसान के लिए द फार्मर नहीं द फार्मर्स लिखना है, बहुवचन में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द फार्मर्स, द फार्मर्स हमारा इस वाक्य का कर्ता है जिसको हमने लिख लिया। अब सब्जेक्ट के स्थान पर हमने लिख दिया द फार्मर्स, अब हमको लिखना हैड बीन। कर्ता हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी के साथ हैड बीन। अब हैड बीन का प्रयोग करने के बाद यहाँ कह रहा है भी वन मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया यहाँ पर है किसान की, जो क्रिया है वो है जोतने की, तो जोतने को होता है प्लो, PLOUGH, एप्लो हो गया। लेकिन इसमें हमको जोड़ना ING, या हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे ING लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। द फार्मर्स हैड बीन प्लोइंग, किसान जोत रहे थे। क्या जोत रहे थे? अपने खेतों को। ऑब्जेक्ट इसमें जो आया हुआ है अपने खेतों को, तो अपने खेतों को के लिए हम लिखेंगे को के लिए टू, और अपने के लिए जब हमारा कर्ता बहुवचन में होता है तो उसके लिए अपने के लिए हम लोग दियर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दियर, TH EIR, दियर। और खेतों को लिखेंगे फील्ड्स, FIELDS, फील्ड्स हो गया। अब इसमें केवल बचा है कल से, समय को हमको लिखना है, लेकिन समय को लिखने से पहले हमें ये देखना है कि हम सिंस लगाएं कि फार। तो हम आपको एक बार ऐसे ही ओरल बता देते हैं, कल से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। या दिन का नाम आ जाए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या इसी तरीके से महीनों के नाम आ जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या सन आ जाए कोई 2015, 2016, 2017, 2018, या टाइम आ जाए बजे शब्द इसमें लगा हो, 1 बजे से 4 बजे से 2 बजे से, ये सब जितना भी हमने आपको बताया ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इनके साथ हम लोग हमेशा सिंस का प्रयोग करेंगे। और पीरियड ऑफ टाइम हम उसे कहेंगे जैसे मान लीजिए 4 घंटे से 5 घंटे से 6 घंटे से, 1 दिन से 2 दिन से 4 दिन से, 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से, इस तरीके अगर कोई शब्द आते हैं तो हमारे होते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम, उनके लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा कल से, तो हमने आपको बताया कि कल से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जब पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों में से सिंस को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सिंस, और कल के लिए लिखेंगे एस्टरडे। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से ट्रांसलेशन आप लोग को भी करना है। दूसरा एग्जांपल हम लिखने जा रहे हैं, मैं इस विद्यालय में अंग्रेजी 2015 से नहीं पढ़ा रहा था। अगला वाक्य हमारा है कि मैं इस विद्यालय में अंग्रेजी 2015 से नहीं पढ़ा रहा था। अब आप देखिए कि जो हमारा टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि वाक्य के अंत में रहा था भी आया है, और रहा था के साथ एक समय भी दिया गया यहाँ पर, समय 2015 से, ये हमारा समय है। अब जब समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो वह टेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक। उसके बाद सेंटेंस जो हमारा है असर्टिव का, ये नेगेटिव में है, कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो जब असर्टिव सेंटेंस हमारा जो है नेगेटिव मूड का होगा
तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर हैड और बीन के बीच में नाट का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं करना कि हैड बीन नाट, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। जब वाक हमारा नेगेटिव रहेगा तो हम लोग करते क्या हैं कि हैड और बीन के बीच में नाट का प्रयोग करेंगे। अब चलिए हम इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। इस वाक का जो करता है वह है मैं, तो मैं के लिए हम लोग लिखते हैं आई। अब हमको लिखना आई हैड बीन, लेकिन वाक हमारा नेगेटिव है। जब वाक हमारा नेगेटिव है तो पहले लिखेंगे आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। इस तरीके से हमारा हुआ, कर्ता भी हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन भी हमारा हो गया और बीच में नॉट भी आ गया। अब हमको लिखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। क्रिया हमारी है यहाँ पे पढ़ाना, पढ़ाने का हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म टीच। हमको एंगी लगाना है, हो जाएगा टीचिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। अब सवाल यह है कि ऑब्जेक्ट को हमको लिखना है और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो क्या नहीं पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, तो लिखेंगे आई हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश। अरे हमारा इंग्लिश हो गया। फिक्र इस विद्यालय में, तो इस विद्यालय में लिखेंगे इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। अब इसमें हमारा केवल समय बचा, हमने जितने भी वर्ड इसमें आए थे सबको लिख लिया है, मात्र 2015 से जो समय दिया गया इसको छोड़कर। अब हमको देखना है कि 2015 से हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग कहते हैं निश्चित समय, उसके लिए सिंस का यूज़ करना है, और पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं अनिश्चित समय, उसके लिए हमें फार का प्रयोग करना है। तो हमने आपको बताया कि जब सन का सन आ जाए, ऐसा नहीं कि एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, अगर इस तरीके से आता है तो उसके साथ हम फार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो सन का नाम दिया है 2015, 2016, 2017, 2022 इस तरीके से दिया है, तो हम उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे दिया 2015 से, तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस 2015 और फुल स्टॉप लगाएंगे वाक्य के अंत में। इस तरीके से यार ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला सेंटेंस है कि उसे चार दिन से बुखार आ रहा था। अगला एग्जांपल हमारा है हिंदी का कि उसे चार दिन से बुखार आ रहा था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे समय भी दिया गया है और वाक्य के अंत में रहा था भी है, तो यह टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब उसे का हम लिखेंगे सब्जेक्ट ही और सभी कर्ताओं के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव होता तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाते, लेकिन यह वाक हमारा अफर्मेटिव तो है नहीं, यह वाक हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव में है। अगर नेगेटिव में होता तो हम यहाँ पे नॉट लगाते, तो यह सेंटेंस हमारा बनेगा कि ही हैड बीन बुखार आना। तो आने का हम यहाँ पर कमिंग नहीं लिखेंगे, सफ़र लिखेंगे, यस यू डबल एफ ई आर, इसमें आईएनजी लगाएंगे, सफरिंग हो जाएगा। ही हैड बीन सफरिंग बुखार, बुखार लिखेंगे फ्रॉम फीवर, तो ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसे चार दिन से बुखार आ रहा था। तो अब आप यहाँ देखें कि समय दिया गया चार दिन से। अब चार दिन से हमें देखना है कि हम पॉइंट ऑफ टाइम में रखें कि पीरियड ऑफ टाइम में रखें। तो चार दिन से, दो दिन से, एक दिन से, या एक सप्ताह से, दो सप्ताह से, एक महीने से, ये सब हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, इनके साथ हमेशा हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर,
फॉर 4 days. इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं. एक होता है फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है सेकंड टाइप. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में. तो देखिए, पैटर्न ये हमारा पुराना ही है असर्टिव का. इसमें हमने कुछ चीज़ों को डिलीट कर दिया है. अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हैड. हैड के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद लिखेंगे बीन. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न हमारा इस तरीके का होगा कि पहले लिखेंगे हैड, हैड को लिखने के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, उसके बाद सिंस और फार में से कोई एक, जैसे भी हमें ज़रूरत होगी उसके अनुसार. फिर यहाँ पर टाइम, और टाइम को लिखने के बाद वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से यह हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न है. तो चलिए इसको हम भी एग्जांपल समझेंगे. क्या तुम उसे चार महीने से पढ़ा रहे थे? ये हमारा हिंदी का वाक्य है. क्या तुम उसे 4 महीने से पढ़ा रहे थे? अब आप देखें कि यह वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. क्वेश्चन मार्क से ही हम लोग जान लेते हैं कि सेंटेंस जो हमारा है वो इंट्रोगेटिव है. लेकिन अब ये देखना है कि जो सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है वो फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप. तो हमने इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया है कि जब वाक्य की शुरुआत में ही क्या आ जाए तो फर्स्ट टाइप होता है, और जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, तो उसे हम सेकेंड टाइप कहते हैं. तो यह हमारा सेंटेंस जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है क्या, और वाक्य के अंत में लगा है क्वेश्चन मार्क. अब हमको ट्रांसलेशन करना है तो पहले लिखेंगे हैड. तो यहाँ हो जाएगा हैड. कर्ता यहाँ पे तुम है तो हो जाएगा यू. उसके बाद लिखेंगे बीन. हैड यू बीन. हैड हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, और उसके बाद यहाँ पर बीन हो गया. अब हमें लिखना है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म. क्रिया यहाँ पे है पढ़ाना. क्रिया हमारी है पढ़ाने की, तो यहाँ पर लिखेंगे टीच, और इसमें जोड़ेंगे आईएनजी टीचिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट है उसे. उसे जो शब्द आया है यह हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसे का हम चाहे हिम लिखें या हर, तो हमने लिख दिया हिम. तो हैड यू बीन टीचिंग हिम. अब हमको लिखना 4 महीने से, और तो हमने सबको लिख लिया है, लेकिन जो यहाँ पे समय दिया गया है इसी को लिखना है. अब 4 महीने से हमारा जो है पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है. अगर यहाँ पर महीने का नाम दिया होता, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके का दिया होता, तो वो होता पॉइंट ऑफ टाइम. तो 4 महीने से कह रहा है, तो जब 4 महीने से कह रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर फार 4 months, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. इस तरीके से इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ. चलिए हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के अंतर्गत एक और एग्जांपल को समझेंगे. जैसे क्या वह
सुबह से अपना काम नहीं कर रही थी। ये हमारा हिंदी का वाक्य है, क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रही थी। अब आप देखें कि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि दिया गया वाक्य जो हमारा हिंदी का है यह है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और टेंस हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, क्योंकि यहाँ पर रही थी आया है और काम के होने का या ना होने का समय भी यहाँ दिया है सुबह से। तो चलिए, और सेंटेंस हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यहाँ पर नहीं भी आया हुआ है। तो जब हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, और कभी नहीं भी अगर आया है तो नेबर का प्रयोग करते हैं। तो नॉट का जो स्थान है वो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले। तो चलिए इसको भी करते हैं, क्या वह लड़की है, कर्ता यहाँ पे जो है वो लड़की है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हैड सी, हैड सी। वाक नेगेटिव है तो पहले नॉट उसके बाद बीन, हैड सी नॉट बीन। क्रिया यहाँ पे है करने की, करने की मीन्स होता है डू, डू मीन्स करना, आईएनजी लगाएंगे डूइंग, हैड सी नॉट बीन डूइंग। क्या वह नहीं कर रही थी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अपना काम, तो सी के साथ अपना के लिए हर का प्रयोग करेंगे, काम का हो जाएगा वर्क। अब यहाँ पर बचा हमारा टाइम, अब हमको टाइम लिखना है, लेकिन टाइम से पहले ये देखना है कि क्या लिखें, सिंस लिखें कि फार लिखें। तो सुबह से, कल से, शाम से, दोपहर से, हमने आपको बताया सब पॉइंट ऑफ टाइम है, सो यूज ऑफ सिंस, सिंस हो गया, और सुबह का मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरीके से अभी सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है इसको हमने सेकेंड टाइप कर दिया, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। और सेकेंड टाइप का जो पैटर्न होगा, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हैड। अगर इसको हम बंद कर दें, डब्ल्यू एच वर्ड को हटा दें यहाँ से, तो यह जो हमारा पैटर्न है वो फर्स्ट टाइप का हो जाएगा। अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड को लगा दें तो हमारा जो पैटर्न है वो सेकेंड टाइप का हो जाएगा। तो मान के चलिए दोनों का पैटर्न जो है लगभग सेम है, अगर यहाँ से डब्ल्यू एच वर्ड को हटा दिया जाए तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न, अगर डब्ल्यू एच वर्ड को लगा दिया जाए तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, ऐसे शब्द जिससे प्रश्न किया जाए उनको हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं, क्योंकि अधिकांश शब्दों की शुरुआत जो है डब्ल्यू एच वर्ड से होता है। जैसे मान लीजिए आपका व्हाई है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, हूज है, हाउ मच है, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं, ये सब हमारे जो है डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं। तो चलिए इसको हम एग्जांपल से भी समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है, तुम वहाँ चार दिन से क्या कर रहे थे। सेंटेंस हमारा हिंदी का कि तुम वहाँ चार दिन से क्या कर रहे थे। अब आप देखें कि यह यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे केवल एक केवल पता लगता है कि जो हमारा हिंदी का वाक्य है वो प्रश्नवाचक है। लेकिन अब प्रश्नवाचक कौन सा है,
फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप के बारे में हमने आपको बताया कि वाक्य की शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है, तो फर्स्ट टाइप होगा। तो यहाँ पर क्या नहीं है, जब इस यहाँ पर क्या नहीं तो इसका मतलब कि दिया गया सेंटेंस जो हमारा हिंदी का है ये फर्स्ट टाइप का नहीं है, फर्स्ट टाइप का नहीं है, इसका मतलब कि सेकंड टाइप का वाक्य है। अब हमने बताया आपको कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जब हिंदी के वाक्य में वाक्य के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए उसी को हम सेकंड टाइप कहते हैं। जैसे यहाँ पर आया हुआ क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। अब हमको इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना है तो हमें पहले सहायक क्रिया नहीं लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइप में लिखा, फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा, या कोई भी फर्स्ट टाइप हो सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया ही लिखते हैं कर्ता के अनुसार। लेकिन यह हमारा सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो आया उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे क्या का इंग्लिश होता है व्हाट, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट, व्हाट को लिख लिया, इसी को हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। अब हमारा डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, अब हमको इसको नहीं लिखना है, अब हमको यहाँ पे सहायक क्रिया लिखना है। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वर्ड है तो हमारी सहायक क्रिया एक ही है, हैड, हैड हो गया। फिर यहाँ पे कर्ता लिखना है, कर्ता हमारा यहाँ पे है तुम, तो तुम के लिए हम लिखेंगे यू, व्हाट हैड यू हो गया। फिर हम इसमें जोड़ेंगे बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है हैड बीन, तो जब फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप होता है तो यू जो है हैड बीन के बीच में आता है, जैसे हैड उसके बाद कर्ता फिर बीन, तो व्हाट हैड यू बीन। क्रिया यहाँ पे है करने की, तो करने को होता है डू, आईएनजी लगा देंगे डूइंग हो जाएगा, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग। अब यहाँ पे गिरा वहाँ, तुम वहाँ चार दिन से क्या कर रहे थे, तो वहाँ के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर देयर, टी एच ई आर ई देयर। अब यहाँ पे बचा केवल समय, हमको लिखना है कि समय के लिए क्या लिखें, सिंस लिखें कि फार लिखें। अब आप देख रहे चार दिन से है, तो हमने आपको बताया कि चार दिन से, दो दिन से, एक दिन से, दस दिन से, ये सब हमारे पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फार फोर डेज, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए और एग्जांपल हम इसके समझते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है रमेश एक बजे से किस नदी में स्नान कर रहा था। अगला सेंटेंस हमारा है हिंदी का कि रमेश एक बजे से किस नदी में स्नान कर रहा था। तो देखिए यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव हमारा सेकंड टाइम में है, कह रहा किस नदी में। अब हमको सबसे पहले लिखना है किस नदी में, तो किस नदी के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन विच रिवर, इन विच रिवर किस नदी में। अब यहाँ का जो कर्ता है वो है रमेश, इस वाक्य का जो कर्ता है वो है रमेश, तो रमेश को लिखने से पहले लिखेंगे यहाँ पर सहायक क्रिया हैड, उसके बाद रमेश, फिर बीन,
इन विच रिवर, किस नदी में? हैड रमेश बीन, अब यहाँ पे है स्नान करना। अब स्नान करने के लिए हम दो तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि एक होता है बाथ, जिसका अर्थ होता है केवल स्नान, जो कि एक नाउन है, और एक होता है बाथ जिसमें एक वर्ड बढ़ जाता है, एक अल्फाबेट बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं स्नान करना। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया BATH, ए है बाथ, इसका मतलब होता है केवल स्नान, ये हमारा नाउन है। अगर हम इसको लिख दें BATHE, तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा, इसका अर्थ होता है स्नान करना, स्नान करना। अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसके साथ लगाते हैं हम लोग टेक, TAKE, टेक। अब जब हम टेक लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ लिखें, या डायरेक्ट हम बाथिंग लिख दें, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्रिया बाथ, BATHE होता है, लेकिन ING जोड़ते समय E को हटा देते हैं, बाथिंग हो गया। तो इन विच रिवर हैड रमेश बीन बाथिंग, अब यहाँ पर समय दिया एक बजे से समय दिया गया है। तो हमने आपको बताया कि जब बजे शब्द जब आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और जब घंटे शब्द आता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम आता है। जैसे एक बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और एक घंटे से ये पीरियड ऑफ टाइम है, दो घंटे से पॉइंट ऑफ टाइम, और दो बजे से ए पॉइंट ऑफ टाइम है, और दो घंटे से ए पीरियड ऑफ टाइम है। तो बजे शब्द पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, और घंटे एक घंटे से, दो घंटे से, चार घंटे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक बजे से तो लिखेंगे सिंस, वन ओ क्लाक CLOCK, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वाक्य में कौन या किसने आया हो तो, जब वाक्य में कौन या किसने आया हो तो, ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे सेंटेंस हमारा है 2 सप्ताह से तुम्हें कौन बुला रहा था, यह सेंटेंस भी हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द है कौन, और वाक्य के अंत में लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो कौन और किसने के लिए हम लिखते हैं हु। अब यहाँ पे हु का डबल रोल है, डबल रोल कहने का मतलब ये है कि हु जो है हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी है और इस वाक्य का कर्ता भी है। तो यहाँ पे हम तुरंत लिखेंगे सहायक क्रिया हैड बीन, हु हैड बीन, बुलाने का फर्स्ट फॉर्म होता है कॉल, ING जोड़ेंगे हो जाएगा कॉलिंग, हु हैड बीन कॉलिंग। अब ऑब्जेक्ट इसमें तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे एक समय दिया 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह से हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर हमको फार का प्रयोग करना है, लिखेंगे फार टू वीक्स, और वाक्य के अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यह सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।